पिंजरा खूबसूरती का। जी हाँ, पिंजरा खूबसूरती का जब इस शो का फर्स्ट प्रोमो रिलीज हुआ था, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट किया गया था फर्स्ट एपिसोड में, और बहुत ही ज़्यादा ये प्रोमो पसंद किया गया था। जी हाँ, कलर्स टीवी का ये मोस्ट पॉपुलर शो कहा जा सकता है। जिस तरीके से इस शो की स्टार्टिंग हुई थी, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ ये शो स्टार्ट हुआ था। इस तरीके की अगर कहानी की बात करें तो फिलहाल के लिए डेली शो में ऐसी कहानी तो शायद ही कोई आई हो, जिस तरीके से इस शो की कहानी को बनाया गया था। इर्द गिर्द मयूरा के चल रहा था ये शो, जहाँ पर साहिल उपल ने बहुत ही माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की है इस शो में। जी हाँ, साहिल उपल यहाँ पर ओमकार के कैरेक्टर में एकदम परफेक्ट थे, यही वजह है कि इन दोनों की जोड़ी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। वहीं मयूरा की बात करें तो उसका कहना ही क्या है। जी हाँ, काफ़ी खूबसूरत वो रियल लाइफ में हैं ही, और साथ ही साथ ये खूबसूरती पर बेस्ड कॉन्सेप्ट था ही। सो यहाँ पर दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी, और यही वजह है कि मेकर्स इस शो को वो भी अफेयर करना नहीं चाहते थे। काफ़ी लंबे टाइम से अफेयर की खबरें आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद मेकर्स आपस में बातचीत करके शो को और भी आगे बढ़ाते लाए, और यहाँ तक कि अफेयर नहीं करना चाहते थे। यही वजह है कि शो में लीप भी लाया गया, ताकि कहानी चेंज हो तो TRP गेन होने लगे। लीप के बाद कहानी और भी ज़्यादा गड़बड़ हो गई, और ऑडियंस को वो कहानी बिल्कुल भी रास नहीं आई, क्योंकि वो मयूरा और ओमकार से जुड़े हुए थे, और यहाँ पर आकर पुनर्जन्म की कहानी से कहानी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी स्टोरी। यही वजह है कि दिन पर दिन TRP घटती जा रही थी, और मेकर्स ना चाहते हुए भी शो को ऑफर करने का उनको फैसला लेना पड़ गया। और इसी वजह से इस शो के सीज़न 2 की खबरें लगातार डिमांड में हैं, और मेकर्स भी ज़रूर ना ज़रूर सोचेंगे इस शो के सीज़न 2 को लाने के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि शो काफ़ी अच्छी इसकी स्टार्टिंग रही थी, फैंस ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्पांस दिया था, ऑडियंस की तरफ से रिस्पांस अच्छा मिला था, तो सीज़न 2 तो आना बनता ही है। लेकिन सीज़न 2 तभी आएगा जब कोई अच्छी सी स्टोरी मेकर्स को ऑफर होगी, जब उन्हें कोई दिल को छू जाएगी स्टोरी, तो ज़रूर से वो पर्दे पर उतारेंगे एक बार फिर से मयूरा और ओमकार के साथ। जी हाँ, मयूरा की अगर बात करें तो रिया शर्मा इस शो में नज़र आई थी मयूरा के कैरेक्टर में, और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान खुद ही बताया कि सीज़न 2 में वो डेफिनेटली आना चाहेंगी, एक बार फिर से मयूरा का कैरेक्टर ओमकार के अपोजिट वो प्ले करना चाहेंगे। ये मयूरा की विश है, और फैंस की भी यही विश है कि जल्द से जल्द सीज़न 2 आए। सो देखने वाली बात होगी कि आखिर इन दोनों की विश कब पूरी होती है। सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।